विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की यह आध्यात्मिक राजधानी नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी। गंगा तट के 30 हेक्टर्स के प्लॉट्स को दो हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है, इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदल रहा है। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं।